नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का और अद्भुत विशेषांकों की श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये अद्भुत कथा अवश्य पसंद आएगी। तो बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक अद्भुत कथा की ओर। यह बात है नैनीताल जिले के भवाली की। एक बार महाराज जी बाजार के एक संकरी गली से होकर गुजर रहे थे। महाराज जी के साथ उनके कुछ भक्त भी आए हुए थे जो कि महाराज जी का अनुसरण कर रहे थे। तो महाराज जी ऐसे ही एक संकरी गली से होकर गुजर रहे थे तो महाराज जी क्या देखते हैं कि एक पुलिस वाला एक कैदी को बेड़ियों में जकड़कर और बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हुए उसको लेकर जा रहा था। बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई हो रही थी और वह पुलिस वाला बिल्कुल निर्ममता के साथ निर्दयी होकर उसे मारता पीटता घसीटता हुआ और लात घूसों से उसकी पिटाई करता हुआ उसको गालियां देते हुए लेकर जा रहा था। आप सभी तो जानते ही हैं कि महाराज जी का हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है। जब महाराज जी ने यह दर्दनाक स्थिति उस कैदी की या चोर की आप कह लीजिए देखी तो महाराज जी से रहा नहीं गया, उनका हृदय पिघल गया। तो जैसे ही वह महाराज जी की ओर नजदीक आते हुए उसको लेकर जाने लगा तो महाराज जी ने उस पुलिस वाले से कहा, बड़े ही सहज भाव में कहा कि क्यों मार रहे हो इसे, इतना क्यों पीट रहे हो, तुम तो कानून के रक्षक हो, कानून के मत अनुसार चलो और इसे ऐसे पीटना या गाली देना बहुत गलत बात है। तो जैसे ही महाराज जी के उसने यह शब्द पुलिस वाले ने सुने तो वह पुलिस वाला महाराज जी को देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराकर उसने जवाब दिया कि महाराज जी ये तो ऐसा ही है, इनका तो काम ही ऐसा है। तो महाराज जी ने जब यह सुना और साथ साथ पुलिस वाला यह भी बोला कि महाराज जी इसे कुछ नहीं होगा, इनका तो काम ही ऐसा है, तो इस तरह करके उसने एक व्यंग्यात्मक रूप में महाराज जी को प्रत्युत्तर किया। तो महाराज जी ने जब यह बात सुनी तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उस पुलिस वाले को ऐसे जवाब दिया कि ऐसे ही बेड़ियों में तुम भी जकड़ सकते हो, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। महाराज जी ने बड़ी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए यह बात बोली और पुलिस वाला महाराज जी की बात को सुना अनसुना करते हुए अपने उसी लहजे में उसी व्यवहार से उसे दोबारा से मारते पीटते हुए महाराज जी के समक्ष से ले गया। अब महाराज जी की लीला आप देखिए कि क्या होता है। तो महाराज जी ने जब देखा कि यह बुराई उनके सामने हो रही है, हालांकि वह जो कैदी था निश्चित तौर पर उसने कोई गलत कार्य किया होगा तभी वह कानून की पकड़ में उस पुलिस वाले की पकड़ में आ गया था, लेकिन महाराज जी का यहाँ पर एक यह संदेश भी है कि उसकी गलती अवश्य होगी लेकिन जब एक कानून का रखवाला जो कानून की रक्षा कर रहा है इस प्रकार से कानून का खुद उल्लंघन करते हुए इस प्रकार से प्रताड़ित करते हुए किसी व्यक्ति को ले जा रहा है तो वह भी गलत है। तो महाराज जी का यहाँ पर एक यह संदेश भी है इस जो अद्भुत यह जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ इससे एक संदेश यह भी है कि बुराई का अंत सदैव बुराई के साथ नहीं किया जा सकता, बुराई को भी हटाने के लिए कुछ कड़े कदम अवश्य उठाने चाहिए लेकिन कड़े कदम भी ऐसे होने चाहिए कि उनकी किसी भी प्रकार की सीमा का उल्लंघन ना हो और वह बुराई भी मिट जाए, इस प्रकार से बुराई का अंत किया जा सकता है। तो आगे क्या होता है कि अब महाराज जी की लीला आप यहाँ से देखिएगा कि क्या होता है कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं इसी प्रकार से, कुछ दिनों बाद महाराज जी उसी बाजार के जो वह संकरी गली थी जहां उस दिन वह चोर के साथ या कैदी के साथ महाराज जी ने पुलिस वाले को देखा था उसी गली से महाराज जी गुजर रहे हैं
और अब क्या नजारा है, क्या लीला होती है, आप ये देखिएगा कि महाराज जी देखते हैं कि उसी प्रकार सामने से उसी पुलिस वाले को एक दूसरे पुलिस वाले, यानी कि जो पुलिस वाला उस दिन उस चोर को मार रहा था या कैदी को मार रहा था, वह पुलिस वाला अब बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और एक दूसरा पुलिस अफसर जो कि पुलिस के अधिकारी हैं, वह उस बेड़ी को थामे हुए हैं, यानी कि जकड़ा हुआ वह पुलिस वाला है जिसने उस दिन उस कैदी को मारा था और एक दूसरे पुलिस अफसर हैं जो उसको, उस पुलिस वाले को बांधकर उसी प्रकार से प्रताड़ित करते हुए महाराज जी के समक्ष से सामने से लेकर आ रहे हैं। तो महाराज जी ने जब देखा, जब वह महाराज जी के नज़दीक पहुँचे, महाराज जी ने इशारे में उसे कहा कि उस दिन तुम्हें यही बात समझा रहा था और आज देखो कर्म का चक्र है अवश्य घूमता है और जब कर्म का चक्र घूमता है तो कर्म के अनुसार फल भी भोगने ही होते हैं। तो इस प्रकार करके वह पुलिस वाला महाराज जी के सामने से वही घटना स्वरूप हुआ, वही लीला हुई महाराज जी की और महाराज जी के जो कथन थे, जो महाराज जी की जो कही हुई बात थी, वह अकाट सत्य साबित हुई। तो यह तो थी आज की अद्भुत कथा। अब इस अद्भुत कथा से आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको सीखने को यह मिलता है कि हमें सदैव प्रत्येक कार्य पर, प्रत्येक कर्म जो भी हम करते हैं, क्योंकि यह कलयुग जो है यह कर्म भूमि है, इस धरा पर हमने जन्म लिया है, तो कर्मों के अनुसार ही हमें जीना होगा। कर्म को परे रखकर हम नहीं जी सकते, केवल भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य कर्मानुसार हमें फल देगा। यह इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है जो आपको जानना चाहिए। और इस क्रमांक से आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको यह सीखने को मिलता है कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो अपने कर्मों पर अवश्य बहुत सोच समझ के कार्य करिए। अपने कर्मों को इस प्रकार से कीजिए कि आगे आपको अपने कर्मों के अनुसार बुरा फल ना भोगना पड़े। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के इस धरा पर जीवन यापन करना नामुमकिन है। आप भले ही कितने पूजे पाठ कर लीजिए, कितना ईश्वर का नाम जप लीजिए, लेकिन आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तो कर्म के अनुसार आपको तब तक फल नहीं मिलेगा। क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने से केवल भाग्य नहीं चमक सकता, आपका भाग्य तब चमकेगा जब आप कर्म उसके अनुसार करेंगे। तो यह था आज का क्रमांक, और आपको आज के क्रमांक से यह सीखने को मिलता है कि बुराई का अंत करने के लिए, बुराई को जो मिटाने का स्वरूप आप अपनाने वाले हैं, वह भी बहुत सोच समझ के आप अपनाना चाहिए, ताकि बुराई का अंत तो हो लेकिन उस परिकाष्ठा से आप बाहर ना जाएं, सीमा का उल्लंघन ना हो पाए। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज की अद्भुत कथा, आज का क्रमांक अवश्य पसंद आया होगा। प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है। और कामना करते हैं महाराज जी से कि बहुत से ऐसे भक्त हैं, जो बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। हम कामना करते हैं ईश्वर से, महाराज जी से, कि उन सभी के दुखों को महाराज जी शीघ्र ही हर लें और उन्हें उनकी मनचाही, जो उनके जो भी परेशानियां हैं, उनका हल उनके मनोवांछित प्रकार से दें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।